हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि आपको 16 नंबर तक दिला सकता है नीट में केमिस्ट्री में। ठीक, तो नीट के केमिस्ट्री का ये फॉर्मूला जो है इस 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रूफ के साथ कि किस तरीके से आपको 16 नंबर तक दिला सकता है। ठीक, तो नीट में अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली एक से कम एक नहीं तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आ जाता है, जो कि फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर आपको मिल जाता है। तो कम से कम एक या फिर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले मिल जाएंगे, यानी 4 से लेके 12 नंबर आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से मिल सकते हैं। और इनडायरेक्टली बात की जाए तो 1 से 5 क्वेश्चन यानी 4 से लेके 20 नंबर आपको इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मिल सकते हैं। ठीक, इनडायरेक्टली जैसे किसी क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहले इस फॉर्मूले को आपको यूज करना होगा, उसके बाद आप आंसर निकालते हैं। ठीक, तो डायरेक्टली ये आपको कम से कम एक नहीं तो 3 क्वेश्चन तक दे सकता है, और इनडायरेक्टली तो 1 से 5 क्वेश्चन तक यानी 4 से लेकर 20 नंबर तक आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ला सकते हैं। तो एक फॉर्मूले में 16 नंबर आप कमा सकते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूले को देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कितने नंबर आए हैं इस पे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे देखिए आप कितने नंबर आए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे 2015 पे 2 क्वेश्चन आए थे, 2016 में एक, 2017 में एक, 2008 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2009 में एक, 2010 में एक, 2014 में एक, 2013 में एक। यानी कम से कम एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली आते हैं और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। ठीक, और इनडायरेक्टली वाला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। इनडायरेक्टली आपको 1 से 5 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले में मिलेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है वो ये है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अलग अलग जगह पे दिया गया है एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, मैंने सारे फॉर्मूलों को एक ही जगह पे लिख दिया है। तो इसमें मोल मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी जो वेट गिवेन हो उसको ऊपर लिखो, नीचे मॉलिकुलर वेट लिखो। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम लिखो गैस का लीटर में और अपॉन 22.4। ठीक, तो यानी ये याद रखिएगा कि वॉल्यूम अगर गैस का दिया हो तो लीटर में लीजिएगा और अपॉन 22.4। अगर मिली लीटर में लेना है तो अपॉन में आपको 22400 लेना होगा। यार ठीक है, यानी अगर लीटर में है तो 22.4, अगर मिली लीटर में है तो 22400। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला गिवन नंबर अपॉन एनए, एनए यानी एवोगाड्रो नंबर। तो एनए की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, एनए की वैल्यू 6.022 × 10³³। तो ये वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप 15 या 16 नंबर आसानी से ला सकते हैं। 14 ये समझ लीजिए, 4 से लेके 20 नंबर तक आप कभी कभी ले आते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इस अच्छा तीनों याद रखना है क्योंकि आपको कभी कभी कंपेयर करना पड़ जाता है, यानी कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को वॉल्यूम और अपॉन 22.4 से कंपेयर करना पड़ जाता है। तो आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने होंगे, तीनों मोल के फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल के। ठीक, तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक तरीके से और लिख देता हूँ, वेट गिवन अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं हम क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, ये नीट 2015 क्वेश्चन है, 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे इसी बेसिस पे। ठीक, अब मतलब सीधा फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, अब इसको हल्का धीरे धीरे करके हम निकालते हैं। जैसे पूछा गया है कि वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में होगा, तो 18 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसमें तो हमें डायरेक्ट दे दिए गए हैं टोटल 18 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, H2O के अब 18 मॉलिक्यूल हैं, तो मैंने बताया था आपको ये तीसरा वाला फॉर्मूला, गिवन नंबर अपॉन Na। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मोल कितने होंगे, 18 अपॉन 6.022 × 10³³। ये मोल होगा। ठीक, अब ये लगभग हल्का मतलब हल्का अप्रॉक्सीमेट करके काटेंगे तो 6 × 3 = 18 होता है, यानी 3 × 10³, ये 23 ऊपर जाएगा तो −23, लगभग इतने मोल आ जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग ये हो गया 18 मॉलिक्यूल। फिर देखा 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम पानी में कितना मोल होगा, तो 18 ग्राम दिया गया है, वेट दिया गया है ना, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट कितना होता है दिया, कितना मतलब वेट कितना दिया गया, 18। मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 18। H2O का मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो 1 मोल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें कितना मिला है, 3 × 10³⁻²³ मोल, यहाँ पे 1 मोल मिला है, 1 मोल। ठीक, इसमें रहता है 1.8 ग्राम ऑफ H2, 1.8 ऊपर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना, 18। इसको काटेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 मोल। देख रहे हैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन हो रहा है। फिर 18 मोल्स ऑफ H2O, इसमें डायरेक्ट दिया गया 18 मोल। अब मोल को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ का मोल तो सबसे छोटा है, 3 × 10²⁻²³ है, तो सबसे छोटा ये है, सबसे कम इसमें होंगे। फिर इसमें 1 मोल है, इसमें 0.1 मोल है, इसमें 18 मोल है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, 18 मोल वाले पे, यानी फोर्थ आंसर सही हो जाएगा।
तो ये एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। इसी तरीके से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कुछ डायरेक्ट आते हैं, कुछ इनडायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं मोल के, ये आपस में कंपेयर किए जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंपेयर करके लिखना होता है। एक फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। फिर दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए आपको वॉल्यूम वाला निकलना होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, इस तरह से लिखना होता है। तो अगर आपको वेट दिया गया है, मॉलिकुलर वेट दिया गया है, तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट इंटू 22.4 अपॉन, ये मॉलिकुलर वेट नीचे रहेगा ये, ठीक। तो ये आ गया नया फॉर्मूला, लेकिन इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको कंपेयर करने के दिया गया था इस एग्जाम में, ठीक। तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, वॉल्यूम निकल आएगा। आपको दिया गया हो कि 10 ग्राम कोई गैस है, उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम आप आसानी से निकाल लेंगे। 10 ग्राम एच टू है तो ऊपर 10 लिखो, नीचे मॉलिकुलर वेट एच टू का क्या हो जाएगा, 18, और वॉल्यूम आपको तुरंत निकल आएगा, 10 अपॉन 18 इंटू 22.4। तो ये होता है क्वेश्चन लगाने का तरीका, ठीक। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिसको आप याद करके आप नीट में डायरेक्टली 16 नंबर तक, डायरेक्टली 16 नंबर तक पा सकते हैं, और इनडायरेक्टली 20 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक। और आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी साल ऐसा है नहीं जिसमें छूटा हो इसके पे वो क्वेश्चन। हर साल इसके क्वेश्चन, 2013 में एक, फिर एक, फिर एक, फिर 2008 में 3 है, 2015 में 2 है, 2016 का क्वेश्चन है जो इसी फॉर्मूले पे सिंपल बेस्ड आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 2016 में आया था नीट इस पे, मोल कॉन्सेप्ट पे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आप फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन ला जाइए। तो थैंक यू आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये आपको PDF के रूप में ये पेज चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नीट गुरु।